वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जिसको प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग जो तीन पार्ट हमारे बच गए थे प्रीवियस वीडियो में, आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। वो तीनों पार्ट क्या क्या हैं? वो पार्ट है आपका नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एंड द सेकंड वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड द लास्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन सब के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुत ही तेज। तो चलिए, पहला हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने पहले क्या पढ़ लिया था, आपका इनर्ट गैस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या है? आपकी फैमिली में भी रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जिसको बहुत सारे काम आते होंगे, वो अच्छे से वर्क करता होगा और दूसरों के साथ क्या होता है, अच्छे से व्यवहार करता होगा। तो यही काम इनका भी होता है। ये लोग भी क्या करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तभी ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करते हैं मतलब रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होगी। अब रिएक्टिविटी हाई होगी तो बेसिकली रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर ये सब कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो इनका जो आपका अल्टीमेट सेल होगा, मतलब अल्टीमेट सेल जो सबसे बाहरी सेल होगा, वो क्या होगा, आपका खाली होगा। अब पहले इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये आपका एक बेसिकली न्यूक्लियस है, और ये आपका एटम के चार आपके ऑर्बिट हैं। तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट सेल, ओके। उसके नीचे वाला क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल, और इसके नीचे क्या होगा, वो होगा एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो बाहर वाला होगा उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनर होगा उसको n माइनस वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इनर जो है सबसे पास वाला उसको n माइनस टू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इस आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में होता क्या है, उनके पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट जो सेल होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो द एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट, जो इनका सबसे बाहरी जो ऑर्बिट होता है, जो कि अल्टीमेट ऑर्बिट होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपका खाली होता है। इसी वजह से वो क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं, और इसी वजह से इन दोनों के दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग बन पाती है। और बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के होते हैं, और कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं आपके वो आगे के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ही होते हैं, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ns 1 या 2 जो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए यूज़ होती है, और ns np 1 टू 6 जो सेवन्थ ग्रुप तक आपकी यूज़ होती है। और इसी चलते जो इनका वैलेंसी का जो पैटर्न है वो भी इनका चेंज होते रहता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो मेंडलीफ ने का जो कंसेप्ट था वो ये कंसेप्ट था कि बेसिकली ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मतलब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो मेंडलीफ ने ये कहा था कि जो भी एलिमेंट्स जो कि दोनों प्रॉपर्टी यानी दोनों बिहेवियर मेटल के और नॉन मेटल के शो करें तो उनको ट्रांजिशन क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जो बोर आए, बोर ने बेसिकली यही क्लासिफिकेशन किया था। तो बोर ने अपना क्या कंसेप्ट दिया कि द एलिमेंट्स इन विच बोथ अल्टीमेट एज वेल एज पेनल्टीमेट सेल, जो कि n-1 से मैंने आपको पहले बता चुका है कि रिप्रेजेंट करते हैं, आर इनकम्प्लीट आइदर इन एटॉमिक स्टेट और इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट, आर का ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि वो आपके एलिमेंट्स जिनका सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट और उसके ठीक पीछे वाला जिसको n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों क्या हो, दोनों इनकम्प्लीट हो, तो उन्हें को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जिनके हम अगर बात करें तो n-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पेनल्टीमेट सेल को। और यहाँ पे हम जानते हैं बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो डी ब्लॉक में आप जानते हैं कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, और पांच, और आप ये को आपको रूल पता होगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे दस इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर एस की बात करें तो वहाँ पे एक या दो ही हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि इनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूजीबी को छोड़ दें तो इनके पास कितने होते हैं, 36 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो पेनल्टीमेट सेल है उसके अंदर का जो ऑर्बिट होता है उसको क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो ये क्या कहते हैं, द एलिमेंट्स इन विच ऑल द थ्री सेल्स इज पेनल्टीमेट, सॉरी अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री एंटी पेनल्टीमेट, जिसको मैंने यहाँ बताया कि एन माइनस टू जो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे पूरे नहीं भरे होते हैं। मतलब क्या क्या नहीं, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एफ
एफ में बेसिकली कितने आपके होते हैं ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनके अंदर का पूरे अगर वो फुल्ली फिल्ड हो तो उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कितनी बार आपके 10 होते हैं, कितनी बार आपके 11 होते हैं, पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करें डी की, तो डी में बेसिकली क्या होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें कितनी बार 10 नहीं होते, उसमें 8 ही होते हैं, 7 ही होते हैं, 6 ही होते हैं। तो अगर हम S की बात करें तो S में भी 1 या 2 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका सबसे लास्ट वाला जो आपका होगा अल्टीमेट, उसके बाद जो पेनल्टीमेट सेल होगा और एंटी पेनल्टीमेट सेल होगा, वो तीनों क्या होंगे आपके डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ के। तो इसी जो भी जो सीरीज इसके अंदर आती है उसको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर दो तरह की जो सीरीज आती है जिसको हम बात करेंगे, जिसको पीरियड टेबल से थोड़े नीचे रखा गया है, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली उनका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 28 इन नंबर। जो पहला होता है सीरीज होती है उसको लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं, जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरी जो सीरीज है वो एक्टिनाइट सीरीज है, जिसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी क्लासिफिकेशन के बारे में, चार भागों में बांटा गया था। तो हमने क्या पढ़ा, इनर्ट गैस के बारे में पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बारे में पढ़ा। यही सारे एलिमेंट्स हमारे अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स की अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।